दोस्तों अक्सर हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती है कि हम वीडियो बनाएं कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो आया 2012 में, जिसमें अमेंडमेंट्स हुए 2020 में, इसमें कई सारे लोगों को गलत तरीके से फंसा दिया जाता है, लोगों का गलत तरीके से नाम आता है, लोग अपनी रंजिश में पॉक्सो जैसे सीरियस जो एक्ट बने हैं उसके जो सेक्शंस हैं उसमें FIR दर्ज करा देते हैं और सामने वाले को बेल लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैसे पॉक्सो के ऐसे मामलों में आप बेल ले पाएंगे? कई बार ये भी देखा गया कि लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं, दोनों का म्यूचुअली कंसेंट था, पर मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह का मामला आपके सामने आ जाए, अगर कंसेंट पॉक्सो में है भी तो चलेगा नहीं, वो एडमिट नहीं होगा कोर्ट में। मतलब उसके आधार पर आपको बेल नहीं मिलेगी कि लड़की मेरे साथ अग्री थी, जो हुआ लड़की की मर्जी से हुआ। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं पॉक्सो में, तो क्या गलतियां आपको नहीं करना चाहिए अगर आप पर कोई फेक तरह से कोई पॉक्सो केस दर्ज हो गया है? तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। मैं ऐसे 3 आपको कारण बताऊंगा क्या अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल मिल सकती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो के फेक केसेस के बारे में और कैसे आप उसमें एंटीसिपेटरी बेल लेंगे, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों जैसे कि हम लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं और दिल्ली में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कई बार जब हम लोग अपीयर होते हैं किसी केस को लेकर, तो वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा मामला हमारे सामने आता है जिसको ना तो अच्छे से प्रेजेंट किया गया था सेशंस कोर्ट में जब आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई, ना ही तो ठीक से प्रेजेंट किया गया हाई कोर्ट में। फिर आप आते हो सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट कई बार आपकी बेल डिसमिस मार देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके केस को सही तरह से आपके वकील साहब प्रेजेंट करें कोर्ट में और आपकी पूरी बातों को बोलें, अच्छे से ड्राफ्ट कराकर अपने केस को प्रेजेंट करें। कोई किसी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप चाहते हैं तो हमारे नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, आप हमसे मीटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों बताता हूँ 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपकी बेल नहीं होती। सबसे पहला कारण दोस्तों, ये जो मामला है पॉक्सो का, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, 2020 में अमेंडमेंट आया जहां पर सजा थी 10 साल की 20 साल कर दी गई, और ऐसे मामलों में जो 20 साल की सजा है उम्र कैद और फांसी तक का प्रावधान है। ये केस टू केस देखा जाता है किस तरह का ये केस है। लड़का लड़की घर से अगर भाग जाए, कंसेंट दोनों का हो, तो भी लड़के को जेल जाना पड़ेगा। और झूठे तो बहुत सारे मामले आते हैं, क्योंकि पॉक्सो जो मामला लाया गया, जो पॉक्सो का एक्ट लाया गया था कि बच्चों को किस तरह से हम इस समाज की कुरीतियां जो चल रही हैं, या हम कहें जो अपराध जो होते हैं अपने समाज में, उन्हें कैसे रोका जाए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कानून बनाकर, इसलिए पॉक्सो एक्ट को लाया गया। और पॉक्सो में जो भी कोई मामला दोस्तों दर्ज होता है, बेलेबल कोई नहीं, सीधा आपको जेल जाना पड़ेगा। और इन मामलों को हम हीनियस क्राइम बोलते हैं, सीरियस क्राइम नहीं बोलते हैं इन्हें, हम बोलते हैं हीनियस क्राइम। मतलब बहुत ही ज्यादा मामला उस दर्जे का है जिसको हम सोच भी नहीं सकते और वो अपराध हो गया। तो मान लीजिए इसमें कोर्ट का भी सोचना क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, आपको इतने आसानी से बेल नहीं देगा कोर्ट, अगर सेक्शन 6 आप पर लगा है, आसानी से बेल नहीं होगी। यहाँ पर वकील साहब की कितनी काबिलियत है, कितनी नॉलेज है पॉक्सो की, कितने केस वो लड़कर आए हैं, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपको बेल दिलाने में। बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम है, इसी वजह से बेल आपको नहीं मिलती है। कोर्ट आपकी बातों को नहीं सुनते हैं अगर आप सही तरीके से अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, क्यों आपकी बेल डिसमिस होती है। दोस्तों होता क्या है, आप जब भी अपनी बेल को लेकर सेशंस कोर्ट में जाते हैं, सेशंस कोर्ट के बाद भी आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन होता है। कई बार जब आप मेन मुद्दे पर बहस नहीं करते हैं कोर्ट में, तो आपकी जो बेल है वो डिसमिस कर दी जाती है सेशंस कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो बिना बात में आपको बेल देकर अपने ऊपर कोई बात लेना चाहते नहीं। अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कोई भी अगर ग्राउंड है नहीं, तो आपको बेल ऐसे नहीं मिलेगी, बेल डिसमिस मार दी जाती है। कई बार मैंने देखा है जैसे ही सेशन कोर्ट से बेल डिसमिस हुई तो लोग आगे तक नहीं जाते। दोस्तों आपका अधिकार है, आपको आगे जाना चाहिए, आप जाइए हाई कोर्ट में बेल अप्लाई कीजिए, हाई कोर्ट से भी बेल ना मिले सुप्रीम कोर्ट जाइए, पर जो आपके अधिकार है, जो रेमेडीज आपको मिली है उसको फॉलो करना चाहिए। क्या पता आपकी बेल हो ही जाए, क्योंकि सेक्शन 6 में अगर आप जेल गए और बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा आपके पास नहीं, आपके वकील साहब के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है, तो मान लीजिए मेरा ये मानना है 1.5-2 साल तक तो आपकी बेल होगी नहीं। तो आपके पास जो रेमेडीज हैं, उन रेमेडीज का पूरी तरह से आप उपयोग करें, आपकी बेल हो सकती है।
एंटीसिपेटरी बेल होती हैं, सेशन कोर्ट से भी होती हैं, हमने कई बार बेल ली है, हाई कोर्ट से भी होती हैं, बेल आपकी हो सकती है। बस ग्राउंड अच्छे होने चाहिए, ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए और वकील साहब को नॉलेज होनी चाहिए किस तरह से पॉक्सो केसेस लड़े जाते हैं। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ग्राउंड तो बहुत स्ट्रांग होना ही चाहिए, कंसेंट इसमें चलता नहीं। सेक्शन 6 का मामला है, बहुत ज्यादा सीरियस मामला है, आपको सीरियस तरीके से ही इसको देखना चाहिए। और तीसरी गलती आप क्या करते हो, जो मैंने अभी आपको बताया कि सेशंस कोर्ट ने अगर आपकी बेल डिसमिस मार दी एंटीसिपेटरी बेल, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, आपको जाना चाहिए। थोड़ा फीस जरूर लगती है वकीलों की, वो एक बात अलग है, कोई वकील आपका फ्री में से काम करेगा नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो जाइए सरकारी वकील की डिमांड कीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आपको अपनी रेमेडीज को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, आपकी बेल हो सकती है। कोई भी सलाह आप चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप करेंगे, हम भी आपकी उसमें मदद कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं आपके केस के बारे में। बट हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, जजमेंट्स का हवाला लें, आप बताएं कि किन परिस्थितियों में आपका नाम उस केस में आया, किस तरह से फेक केस आप पर लगाया गया। अगर लड़का लड़की साथ भाग गए हैं घर से, लड़की बालिक है, तो उस चीज को प्रूफ कीजिए। या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लड़का लड़की साथ में भाग गए बट बीच में उनके फिजिकल नहीं हुआ, तो ऐसे मामले में भी सेक्शन 6 नहीं आएगा। बेशक किडनैपिंग का मामला बन सकता है बट सेक्शन 6 नहीं आएगा। बट कई बार ऐसा देखा गया है, लड़की जब गवाही देती है, 64 के बयान जब दर्ज होते हैं 164 के, तो उसमें ज्यादातर लड़के के अगेंस्ट ही लड़की बोलती है। बेशक लड़की चाहे कि वो चाहती है लड़के के फेवर में बोलना, बट उसके बावजूद कई बार उनका परिवार, कई बार पुलिस वाले ऐसा रोल प्ले कर देते हैं, लड़की को डरा धमका देते हैं और वो लड़की आपके खिलाफ ही गवाही दे देती है। और अगर ऐसा है तो लड़की दोबारा भी अगर अपनी गवाही देना चाहे, गवाही दे सकती है, बता सकती है मुझे डराया धमकाया गया था, तो ऐसे में भी सुनवाई की जाएगी। बट तीन जो कारण मैंने आपको बताए हैं, इनको आप याद रखें। मामला बहुत हीनियस नेचर का होता है, सेशंस कोर्ट में कई बार बेल डिसमिस मार दी जाती है क्योंकि वो अपने पर कुछ लेना चाहते नहीं, स्ट्रांग ग्राउंड्स आपके पास होते नहीं। और साथ ही जब सेशंस कोर्ट में बेल डिसमिस होती है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, जबकि आपको जाना चाहिए। केस को बहुत अच्छे से डिटेल में अपने वकील साहब को समझाओ और देखो कि उन वकील साहब ने कितनी बार ऐसे केसेस लड़े हैं। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह की सजेशन आप चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप दिए गए नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।